नमस्ते, आज हम यहाँ पे सात रंगों से सजी हुई एक कलरफुल पेंटिंग सीखेंगे। सबसे पहले स्केचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्केचिंग में पहले युवती और उसके हाथ का पिंजरा स्केच करेंगे। और साइड्स में जो पंछी है वो भी स्केच करेंगे। यहाँ पे आजू बाजू में जो पंछी है और ये फिगर है, ये सारा स्केचिंग हो चुका है और हम कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारा लिक्विड लेके इंद्रधनुषी रंगों में मैं बैकग्राउंड पेंट कर रही हूँ। रेड कलर देने के बाद ऑरेंज दे रही हूँ। मैं इसके लिए फैन ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि कलर्स अच्छे से मर्ज हो जाए और इनमें इंद्रधनुषी इफ़ेक्ट आ जाए। येलो और ग्रीन कलर दे दिया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा लिक्विड ले लिया है, इस वजह से ये कलर्स थोड़े से पेस्टल लग रहे हैं, हल्के हल्के। ब्लू और पर्पल भी मैंने दे दिया है। यहाँ पे फैन नाइफ यूज़ करके थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में टेक्सचर दे रही हूँ। अभी यहाँ पे ये फाइनल वर्क हमारा शुरू हो गया है। बैकग्राउंड अच्छे से सूख गई है क्योंकि बहुत सारा लिक्विड मैंने ले लिया था। अभी फाइनल वर्क करते वक्त जो कलर्स हम यूज़ करेंगे उनके साथ हमें बहुत सारा लिक्विड लेना ही है। जैसे ग्रीनिश बैकग्राउंड पर मैंने सफ़ेद रंग के फूल बना दिए हैं, वैसे पर्पल और ब्लू बैकग्राउंड पे बराबर से उसके साथ मैच करें वही शेड्स मैं ले रही हूँ। और बहुत सारा लिक्विड लेने के बाद ये थोड़ा सा काम ट्रांसल्यूसेंट दिखाई देगा और एक बहुत ही ड्रीमी इफ़ेक्ट इस वजह से पेंटिंग में आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये काम हमारा आगे बढ़ रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा मैंने ग्रीन डाल दिया है और जैसे फल हो वैसे कहीं पे थोड़ा सा येलो भी यूज़ किया है। अभी येलो बैकग्राउंड और ऑरेंज बैकग्राउंड के लिए हम थोड़े से ग्रीन वर्टिकल स्ट्रोक्स लगा देंगे। और ब्लू पर्पल ग्रीन बैकग्राउंड के लिए जैसे बड़े स्ट्रोक्स वाला काम किया था वैसे अभी यहाँ पे नहीं करना है, छोटे नाइफ के छोटे स्ट्रोक्स लेके बैकग्राउंड पूरी करनी है। यहाँ पे येलो बैकग्राउंड पर मैंने ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और वाइट फ्लावर्स के साथ लेमन येलो कलर में मैंने तितलियाँ भी बताई है। ये बैकग्राउंड इसी तरह से आनी चाहिए, थोड़ा सा ड्रीमी और ब्लर्ड इफेक्ट इसमें आना चाहिए। लेकिन बराबर से अपने जो इंद्रधनुषी रंग है
वो अच्छे से डिफरेंशिएट होने चाहिए। अभी रेड कलर के ऊपर मैं बर्नट अंबर के ऊपर से नीचे की तरफ तिरछे तिरछे कुछ स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, जैसे बड़े पेड़ की टहनियाँ नीचे झुक रही है। और इसके ऊपर ब्लॉसम बना रही हूँ, बिल्कुल ही छोटे छोटे फूल पिंक रेडिश कलर में बना रही हूँ। ये बैकग्राउंड पूरी होने के बाद अब हम युवती पेंट करेंगे। सबसे पहले उसका चेहरा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छी तरह से दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके हाथ में जो पिंजरा है उसमें से ये सारे पंछियों को आज़ाद कर रही है। तो ये जो उसकी एक्शन है, उसमें जो एक्साइटमेंट है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से अच्छी तरह से दिखाई देना ज़रूरी है। तो उसके चेहरे पे एक खुशी दिखनी चाहिए, और एक सेटिस्फेक्शन भी दिखना चाहिए, और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी दिखना ज़रूरी है। उसके बाल बनाते वक्त हवा के हल्के झोंके से बाल उसके उड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा इफ़ेक्ट यहाँ पे देना होगा। बालों के लिए मैंने डार्क ग्रे इस्तेमाल किया है, और स्किन कलर के लिए हमेशा की तरह नेपल्स येलो और थोड़ी सी रेडिश शेड ले ली है। अभी हमें उसका ड्रेस पेंट करना होगा। ये ड्रेस जो है ये पर्पसली हमें वाइट दिखाना होगा, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड पूरी तरह से कलरफुल है। और ड्रेस की शेडिंग के लिए वाइट के साथ थोड़ा सा ग्रे लेना होगा। ये ड्रेस बनाते वक्त हमें इस ड्रेस का जो कपड़ा है उसका टेक्सचर ध्यान में रखते हुए उसमें एक फ्लोइनेस दिखाना होगा। और जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक हलचल है, उस तरह से इसमें थोड़ी सी वेव्स बतानी होंगी। उसका एक पैर आगे है, एक पैर थोड़ा सा पीछे है, तो ये उसकी पोज भी ड्रेस पेंट करते वक्त उस पे से हाईलाइट होना ज़रूरी है। उसके पैर पेंट करते वक्त उंगलियां वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है उसमें उसके पैर थोड़े से छुप से गए हैं, इसलिए उंगलियां उसकी नहीं दिखाएंगे। हाथ पेंट करते वक्त स्लीव्स के लिए हमें वापस यही ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट भी लाना होगा। थोड़ी सी उसकी स्किन दिखाई दे रही है, इस तरह से कलरिंग करना होगा।
और जिस तरह से स्लीव्स में फोल्ड्स होते हैं वो फोल्ड्स भी यहाँ पे बताना ज़रूरी है। हथेलियाँ हम बाद में करेंगे, कलाई तक का पेंटिंग हमारा हमने पूरा कर लिया है। उसकी ड्रेस में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी बता देते हैं, और ड्रेस पे चिकनकारी जैसा जो डिज़ाइन है, छोटी छोटी बुट्टियाँ, वो भी हम बताएंगे, ताकि इसमें एक डेलिकेट लुक आ जाए और उसका टेक्सचर अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाए। अभी उसके हाथ का पिंजरा हम करेंगे। पिंजरा एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ है, नाइफ एकदम खड़ा पकड़ के ये स्ट्रोक्स लगाने होंगे पिंजरे की जो डंडियां है उनके लिए। अभी यहाँ पे रेड कलर का पंछी मैं पेंट कर रही हूँ, एक के बाद एक कलरफुल पंछी हम पेंट करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पिंजरे का काम भी पूरा कर लेते हैं, जैसे दरवाज़ा खोल दिया है पिंजरे का और अच्छे से पकड़ा हुआ है युवती ने, और वो पंछियों को उड़ने के लिए, आज़ाद होने के लिए जैसे मदद कर रही है। तो ये हाथ में डिटेलिंग भी हमने कर लिया है, और अभी हम रेड के बाद ऑरेंज कलर का पंछी पेंट करेंगे। बहुत ही बारीकी से ये काम करना होगा। हर एक पंछी अलग अलग स्टाइल में पेंट करना होगा। लेकिन सारे पंछियों के पंख फैले हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि ये पंछी उड़ रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। तो येलो कलर का ये पंछी पूरा होने के बाद हम ग्रीन कलर का पंछी पेंट कर लेते हैं। अभी बस ब्लू कलर का पंछी और पर्पल कलर के दो पंछी पेंट करना बाकी है। सारे पंछियों के लिए मैंने उनकी चोंच बताते वक्त कलर्स अलग अलग लिए हैं।
अपनी बैकग्राउंड पे जिस तरह से ये अच्छे से दिखाई दे उस हिसाब से मैंने उनका कलरिंग किया है। बैकग्राउंड बनाते वक्त बहुत सारा लिक्विड ले लिया था, इस वजह से बैकग्राउंड ऑलमोस्ट पूरी तरह से सूख गई है और इसके ऊपर ये पंछी पेंट करना एक तरह से आसान हो गया है। बैकग्राउंड के कलर्स पंछियों में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ब्लूइश पर्पल के बाद रेडिश पर्पल पंछी भी हमारा अभी पूरा होगा। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम पूरा होने जा रहा है और एक बहुत ही ड्रीमी इफ़ेक्ट वाला प्रतीकात्मक पेंटिंग हमारा तैयार हो गया है। और इस तरह से ये पेंटिंग हमारा पूरा हो गया है। ये डेमोंस्ट्रेशन देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।